Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics जो हमारी बेटा सीरीज चल रही है चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने इस चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने डिटेल में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी हमने डिस्कस की, उसकी दो टाइप्स हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बच्चे ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये जो मैंने डिफरेंस आपको करवाऊंगी ये आपने इस हिसाब से करना है. अगर आपको इसके ऊपर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है या वन मार्क क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप इजीली कर सको. इसको आप क्रैम नहीं करना, समझ के करना. तो चलो शुरू कर. अब जैसे स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट में पहला डिफरेंस क्या है, जो आपकी स्पॉट मार्केट है वो सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस ही लेती है, उस टाइम जो ट्रांजैक्शंस करनी है उसके लिए ही स्पॉट मार्केट होती है. फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इसमें हम नहीं लेते हैं. और जो फॉरवर्ड मार्केट है वो फॉरवर्ड है आगे आने वाली, इसलिए वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस में डील करती है जिनमें फ्यूचर डिलीवरी होनी है, जो आज हम फिक्स करते हैं और फ्यूचर में डिलीवरी होती है. और स्पॉट मार्केट में आज हम रेट फिक्स करेंगे करते हैं और साथ के साथ हमारी डिलीवरी होती है. ये मेन डिफरेंस है, ठीक है. स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजैक्शंस आएंगी और फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर डिलीवरी में होंगी. सेकंड इज जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांडेड इन दिस मार्केट इज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. जो स्पॉट मार्केट में आपका रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है उसको हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और जो फॉरवर्ड मार्केट में जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है. तो सेकंड डिफरेंस क्या है, जो स्पॉट मार्केट में जो रेट चलेगा वो स्पॉट मार्केट रेट होता है, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और जो फॉरवर्ड मार्केट में होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको बोला जाता है, ठीक है. स्पॉट मार्केट जो है इट डज नॉट अलाउ हेजिंग अलाउ नहीं करती है स्पॉट मार्केट, पर जो आपकी फॉरवर्ड मार्केट है वो आपकी हेजिंग अलाउ करती है. हेजिंग में बेसिकली आपका जो है एक फिक्स्ड जो एक्सचेंज रेट के ऊपर जो आपका लॉक कर दिया जाता है, और उसमें वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी फ्यूचर सप्लाईज उसी रेट पे होगी. अप डाउन रेट पे होगा तो वो नहीं कंसिडर करते, उसी रेट पे होती है. तो ये हैजिंग जो है स्पॉट मार्केट में तो होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में तो ऑन द स्पॉट डिलीवरी होनी है, पर जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट है उसमें फ्यूचर में डिलीवरी होनी है, इसलिए ये उस टाइम ये उसको हेल्प करती है फॉरवर्ड मार्केट में जो है हैजिंग अलाउ करती है, ठीक है. तो ये थ्री मेन डिफरेंसेस है आपके स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में. All about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.